हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। इस वीडियो में हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये पांच क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। इन पांचों क्वेश्चनों को करने के बाद आपसे ये चैप्टर पूरा आ जाएगा। फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमारे FB ग्रुप में जाकर कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इन क्वेश्चन को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है, बस इसमें लिखने का तरीका होता है। मतलब ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तब हम सॉल्व करते हुए कुछ तो लिखते हैं, तो वो लिखने का तरीका हमसे आना चाहिए। अगर आपसे ये लिखने का तरीका आ जाता है तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ही बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। लिखने का तरीके का मतलब ये है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए बी की बहन है। तो स्टूडेंट सोचते हैं ए कहाँ पर लिखें और बी कहाँ पर लिखें, ये दिक्कत आती है। मान लीजिए कोई इसमें इसका पिता होता तो उसे कहाँ लिखते, तो ये दिक्कत आती है। तो ये लिखने का मैं आपको तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये रिलेशन पढ़ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनसे कि इनमें से कुछ रिलेशन नहीं आते होंगे, तो वो पढ़ लीजिए इन रिलेशन को, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसे लिखने का तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, तो हम इस भाई को प्लस से दिखाएंगे। मतलब जो मेल होगा इसमें हम उसे प्लस से दिखाएंगे और फीमेल को दिखाएंगे हम माइनस से, ठीक है। मान लीजिए सी ए का पिता है तो सी को हम दिखाएंगे प्लस से, एक पीढ़ी ऊपर चले गए, एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो वो स्टेप हम इससे ऊपर कर देंगे, तो एक स्टेप हम ऊपर चले जाएंगे। ए बी का भाई था तो मतलब इन भाई बहन की जो भी पीढ़ी होगी, इनके साथ की जो भी पीढ़ी होगी, हम इस लाइन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इनके पिता आ गए यहाँ पर, तो इनके पिता की जो भी पीढ़ी होगी हम उसकी उसी लाइन में बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे कि ए की माँ डी है तो डी होगी माँ, इसे माइनस से दिखाएंगे, और ये पति पत्नी हो गए तो इन पति पत्नी को, हस्बैंड वाइफ को हम इस बराबर से दिखाएंगे, ये बराबर का निशान है तो इससे हम पता लगा लेंगे कि ये दोनों पति पत्नी हैं, और प्लस से मतलब ये पति है और माइनस ये पत्नी है। तो ये लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर हम एक स्टेप नीचे जाएंगे, मान लीजिए ई ए का लड़का है, लड़का है लड़की नहीं है, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे? प्लस से, और कोई दूसरी लड़की होती तो उसे माइनस से दिखाते। इस तरीके से एक पीढ़ी हम नीचे आ गए और इसके पिता के लिए एक पीढ़ी ऊपर चले गए। तो ये लिखने का तरीका है। अब कुछ ऐसे होंगे जिन्हें प्लस माइनस से कन्फ्यूज़न होगा, तो वो ऐसे कर सकते हैं। अब लिखेंगे, मान लीजिए ए बी का भाई है, तो इसके लिए हम एरो लगा देंगे, मतलब ए बी का भाई है, ठीक है, और एरो लगा कर लिख देंगे हम भाई, इसे ये पता चल जाएगा ए भाई है बी का, इस एरो से पता लगा लेंगे हम, ठीक है। अब मान लीजिए सी पिता है तो हम ऊपर की ओर एरो लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे पिता। तो इस तरीके से हम एरो लगा देंगे, कोई भी रिलेशन होगा उस वो रिलेशन लिख कर उसकी ओर एरो लगा देंगे। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में दिया है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बहन है मतलब माइनस से दिखा देते हैं, या आप लिख सकते हैं इधर एरो लगाकर यहाँ लिख सकते हैं बहन, ठीक है। सी डी का भाई है, सी और डी में से इनमें से तो कोई है नहीं, बहुत से तो यहीं घबरा जाते हैं कि यार यहाँ इसे कहाँ लिखें, तो इसे अभी मत लिखो, ठीक है। हम इससे अगली लाइन पढ़ते हैं, यदि डी ए की बहन है, अब इससे रिलेशन मिल गया, डी ए की बहन है, ये भी माइनस है, ठीक है, डी भी बहन है और ए भी बहन है, अभी बी का पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, सी डी का भाई है, जो पहले बताया था सी डी का भाई है, तो ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए ए की पीढ़ी है, इसमें इसकी इनकी माता या पिता तो है नहीं, अगर इनकी माता और पिता की बात होती है हम एक पीढ़ी ऊपर चले जाते, एक स्टेप ऊपर चले जाते, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी क्या है डी का, तो इस पर तो प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, मतलब हमें पता नहीं, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, ये तो हमें पता ही है भाई या बहन में से है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये होगा भाई या बहन, तो इसका आंसर है भाई या बहन, ठीक है, ये इसका आंसर है। और आगे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो ये जैसे कि SSC CHSL हुआ, CGL हुआ, CPO हुआ, या रेलवे या कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MD की बहन है, तो यहाँ लिख लेते हैं MD की बहन है, यहाँ लगा देते हैं माइनस, D की बहन, D का हमें पता नहीं अभी।
अब आगे दिया डी के का भाई है, डी अब भाई है किसका, के का, यहाँ भी हम ये लगा देते हैं के का भाई है, ठीक है। अब ये पता चल गया हमें डी कौन है, भाई है या बहन है, ठीक है। अब दिया है आगे एफ एम की माता है, एफ एम की माता है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, एफ एम की माता है और ये तीनों भाई बहन है तो मतलब इन तीनों की भी माता हो गई। ये भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, अगर एम की एफ माता है तो इन तीनों की माता है ये। आगे बढ़ते हैं, तो के का एफ से क्या संबंध है, इस के का एफ से क्या संबंध है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। किसका पूछा है, के का मतलब के क्या है एफ का, ये नहीं है कि एफ कौन है, एफ तो माता है तो हम अगर ऑप्शन में माता होगा तो वो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे के कौन है एफ का, ठीक है। तो के कौन है, अब इस पे प्लस माइनस तो लगा नहीं, तो ये बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इसका पुत्र या पुत्री, तो इसका आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, यहाँ लगा देते हैं माइनस, आर डी का भाई है, ठीक है, भाई है तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं, एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है तो यहाँ प्लस लगा दिया, और टी आर की माता है, टी आर की माता है। अब ये आपको पता है एम डी आर आपस में भाई बहन है, तो आर की अगर ये माता है तो एफ की कौन हुई, पत्नी, ठीक है, ये पति पत्नी हुए दोनों, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब आगे दिया है डी का टी से क्या संबंध है, अब इस डी का संबंध पूछा है, ये डी टी की कौन है, अब इसमें प्लस माइनस तो लगा नहीं, जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन था ऐसा ही है, तो डी टी का कौन है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हुआ, पुत्र या पुत्री, और ऑप्शन में इसका बेटा या बेटी भी हो सकता है। अब देखिए अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन होता है तो आप इसे लगा दीजिए, वरना एक ऑप्शन इसमें ये भी होता है, आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस मतलब इसमें ये नहीं बताया ये भाई है या बहन है, तो हम इसमें एक ऑप्शन आंकड़े अधूरे हैं ये भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब चौथा क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है, मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। इससे पहले जो मैंने तीन क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि बहुत ईजी थे, वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, और हार्ड ये भी नहीं है, बस बात वही आती है लिखने का आपसे तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मोहन, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है, तो इसके ग्रैंडफादर कौन हुए, इसके पिता के पिता, ठीक है, इसके ग्रैंड फादर, ये जी एफ, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं है ये ग्रैंड फादर है, दिया क्या था यहाँ पर, ग्रैंड फादर की एकमात्र पुत्र वधू, तो इसकी पुत्र वधू कौन हुई, मतलब इसके पुत्र की वधू, तो इसके पुत्र कौन हुए, मोहन के पिता, तो इसके मतलब यहाँ लिख देंगे हम पुत्र वधू, इसकी कौन हुई यहाँ, ये पत्नी, ठीक है। सवाल में दिया है एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री, अब इसकी भी पुत्री, ये कौन हुई, इसकी पुत्री, ठीक है, अब इसके लेवल में आ गया, ये इसके लेवल में आ गया, तो ये कौन हुई, इसकी बहन, क्योंकि पुत्री है तो ये कौन हुई, इसकी बहन, तो मोहन कौन हुआ, इसका भाई। सवाल में दिया मोहन का, तो जिस का होता है वो बताना होता है कौन होता है, ठीक है, मोहन कौन है इसकी पुत्री का, तो मोहन कौन हुआ, भाई, क्योंकि जो इसकी पुत्रवधू थी वो इसकी माँ है, क्योंकि इसके पिता की पत्नी है तो इसकी माँ हो गई, इसकी माँ की लड़की इसकी बहन हो गई, तो ये कौन हुआ, भाई, ठीक है, ये इसका हुआ भाई, तो यही आंसर है इसका। तो ये लिखने का तरीका आपसे आना चाहिए, किसे कहाँ पर लिखना है, ऐसा नहीं है कि मोहन के ग्रैंडफादर ये हुए तो यहाँ लिख दिया ग्रैंडफादर, ऐसा नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं लिखेंगे, जो चीज़ जहाँ लिखने की है वहीं लिखेंगे, तभी आप जल्दी कर पाएंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए सवाल दिया है, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है,
कि वह मेरी सास के पति की एकमात्र संतान की ननद है। ठीक है, ये लंबी लाइन है लेकिन बहुत इजी है, जब आप लिखेंगे एक और से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आगे दिया है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस महिला का उस व्यक्ति से। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं व्यक्ति, अगर कोई नाम नहीं दिया है, इस व्यक्ति की जगह कोई नाम दे दिया होता तो वो लिख लेते, जैसे कि पहले वाले सवाल में दिया था मोहन। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो हम इसे इंडिकेट करने के लिए यही लिख देते हैं व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति। ठीक है, अब किसी फोटो में महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो इस फोटो में महिला को हम बाद में लिखेंगे, कहाँ कौन से लेवल पर आनी है ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि कहाँ पर आएगी, इससे ऊपर आएगी या इससे नीचे आएगी। एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे सास, तो सास कौन हुई, इसकी एक पीढ़ी ऊपर, मतलब इसकी पत्नी की माँ, इसकी सास हो गई, तो एक पीढ़ी हम ऊपर चले गए, ये हुई इसकी सास। ठीक है, सास के पति, तो सास के पति कौन हुए, इसके लेवे में ले लेते हैं, हम यहाँ पर इसके पति हो गई है सास के, कि एकमात्र संतान, इसकी एकमात्र संतान है ये, इनकी केवल एक ही संतान है, फिर भी ये इस व्यक्ति की सास हो गई, तो एक संतान फिर वो कौन होगी, इसकी पत्नी, तभी तो ये सास लगी इसकी, क्योंकि पुत्र तो हो नहीं सकता, जब पुत्र होता और संतान दी है एक, तो पुत्र होता तो ये सास कैसे बन जाती, तो इसके लिए ये पुत्री होगी इसकी, और ये पुत्री इस व्यक्ति की कौन होगी, पत्नी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पति की एकमात्र संतान की ननद है, मतलब यहाँ कोई इसकी ननद है। ठीक है, इसकी पुत्री की ननद है, ननद कौन होती है, ये पुत्री जो है इसके पति की बहन ननद होती है। ठीक है, तो इसके पति कौन हुए, ये व्यक्ति इसका पति हो गया, क्योंकि सास के पति की पुत्री है। तो आगे दिया है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, कौन सी महिला का, जो तो फोटो में थी, फोटो में कौन थी, ये ननद। ठीक है, ननद तक पहुँचे थे हम, तो ये ननद कौन है इस व्यक्ति की, इस महिला का संबंध बताना है, मतलब ये महिला कौन है इस व्यक्ति की, तो ये कौन हुई, बहन, क्योंकि जो पति होता है उसकी बहन जो होती है वो उसकी ननद होती है, तो ये कौन हुई, बहन, यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, हार्ड से हार्ड भी और इजी से इजी भी, लेकिन अगर आपसे ये लिखने का तरीका आ गया होगा तो आप हार्ड से हार्ड सवाल भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये करके बताए थे। फिर भी अगर आपसे कोई सवाल नहीं आता है, हार्ड से हार्ड सवाल भी अगर आपसे नहीं आता है इस तरीके से, तो आप नीचे कमेंट में बताइए, या आप हमारे FB ग्रुप पर जाकर वो क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। और दोस्तों देखिए, रीजनिंग में चैप्टर काफ़ी इजी इजी होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में बताइए मैं आगे रीजनिंग में कौन से चैप्टर की वीडियो बनाऊँ, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, मैं उसी चैप्टर की वीडियो बनाऊँगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।